हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अरेशा देसी। और आज हम आसाम घूमने जाएंगे। ये है शिलोंग के आईएसबीटी बस स्टैंड। यहाँ से हम ये जो बस देख रहे, बस पकड़ के आसाम के गुवाहाटी गए हैं। गुवाहाटी जो असम की कैपिटल सिटी है। अभी मॉर्निंग पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं रोटी सब्जी। ये रोटी सब्जी पर प्लेट ₹25 के बहुत ही रिजनेबल है। उसके बाद हम एक ऑटो पकड़ लिए हैं। ऑटो हाँ, गुवाहाटी शहर से थोड़ा आगे निकल चुके हैं और जा रहे हैं नीलाचल हिल्स के तरफ। तो ये नीलाचल हिल्स गुवाहाटी शहर से बस थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। और वहाँ पे हम जाएंगे कामाख्या। कामाख्या के नाम अब सुने होंगे, यहाँ के बहुत पॉपुलर प्लेस है। वहाँ से होके हम आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ले जाएंगे, जो कि सबसे डीपेस्ट रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है, ये भी आप जानते ही हैं। तो आपको हमारे साथ घूमने में अच्छी लगेगी, तो हमारे साथ चलते रहिए। अभी हम आ गए कामाख्या के पास और यहीं पे आपको गाड़ी छोड़ना है। आप चाहे ऑटो पे आए, टैक्सी पे आए, बस पे आए, वहीं तक गाड़ी आते हैं। इसके बाद आपको पैदल चलना है, बस कुछ दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं। और जो ऑटो हम बुक किए हैं अप डाउन के लिए, वो ₹450 लेगा बोले है, यानी कि ₹450। वो हम पल्टन बाज़ार से आए हैं, पल्टन बाज़ार ही हम रुके हैं, तो पल्टन बाज़ार से आए हैं और वापस फिर पल्टन बाज़ार जाएंगे घूमने के बाद। तो टोटल अप डाउन के ₹450। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा मार्केट प्लेस है, इसके अंदर से आपको कामाख्या के पास जाना है। यहाँ आपको बस कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है, ज़्यादा नहीं है। और आसपास बहुत सारी दुकान भी है, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम गेट के तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी दुकान है। यहाँ क्राउडेड भी लग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम आने के पहले ही सुने हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोग सुबह सुबह आके लाइन लगाते हैं। हम उतना सुबह तो नहीं आए अभी। हाँ, यहाँ आपको जूते उतारना है, क्योंकि जूते लेके अंदर आप नहीं जा सकते, तो हम जूते रख के फिर अंदर जा रहे। कुछ लोग बोले कि हम जो होटल में ठहरे गुवाहाटी पे, तो बोले कि 5:30 बजे से जाना होगा, नहीं तो आप नहीं देख सकते, इतना भीड़ होता है। तो चलिए अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। भीड़ तो है, पर अंदर कितना भीड़ है वो मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये है कामाख्या टेम्पल। ये ऊपर जो आप देख रहे वो गोल्ड से बना हुआ है, गोल्ड प्लेटिंग है, और ये बहुत ही पुराने पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ आप ऐसे बहुत आपको गोर्स दिखने को मिलेगी, गोर्स, बफेलोस। एक्चुअली कन्वेंशंस लाइक एनिमल सेक्रीफाइस स्टिल एग्जिस्ट इन कामाख्या टेम्पल। पता नहीं क्यों, पर यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ अपने एनिमल्स को, बर्ड्स को, पिजियंस, कितने सारे यहाँ बैठे देखे, कबूतर को या फिर गोट को, बफेलो को यहाँ छोड़ के जा रहे, सेक्रीफाइस कर रहे, कुछ ऐसा बिलीव्स है यहाँ पे। और मंदिर के आर्किटेक्चर देखिए, बहुत ही खास है, बहुत ही अनोखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मंदिर के टाइमिंग है एक्चुअली सुबह 5:30 बजे से 1 बजे तक, फिर 2:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। इस टाइम के अंदर आप कभी भी आ सकते, पर आपको कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में वो तो पहले से कहा नहीं जा सकता। कितना विजिटर्स होंगे उस दिन, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आसाम में कामाख्या टेम्पल बहुत ही पॉपुलर है। एक्चुअली आसाम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस, एंड दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द तंत्र मार्ग। एंड
यहाँ पे जो अंबुबाची मेला कहते हैं होते हैं वो बहुत पॉपुलर है, उस टाइम बहुत भीड़ होती है। और ये देखिए मंदिर का अंदर है, मतलब हम बाहर से दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से अंदर जाके दर्शन करते हैं लोग। देखिए वहाँ आपको लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लाइन दिख रहा है यहाँ से। तो इंडिया के हर मंदिर की तरह यहाँ भी आप बाहर फ़ोटो खींच सकते, अंदर नहीं खींच सकते, इसलिए हम आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकते, हम बाहर ही आपको दिखा रहे। बाहर आप देख रहे हैं, बाहर का ये मंदिर के पीछे वाला ऐसा है। उधर सीढ़िया है, सीढ़िया पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखिए आप भी वहाँ ऐसे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या पूरा घूम के देख सकते हैं, या फिर अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। कामाख्या टेम्पल को एक्चुअली ये जो जितने सारे ये देखिए, यहाँ से आपको अंदर जाना है, और इधर एक लाइन है जो कि वीआईपी लाइन कहते हैं, जो कि 500 रुपये का टिकट कट के आपको यहाँ अंदर जाना है, फास्ट जा सकते हैं। पर देखिए वहाँ भी कितने भीड़ लगे हुए हैं। तो जो इंडिया पे बहुत सारे शक्ति पीठ से कहा जाता है, तो कामाख्या को भी उन शक्ति पीठों से एक माना जाता है। हम अंदर से दर्शन करके आके हम फ्री लाइन जो है वहीं से गए हैं, और आज उतना भीड़ नहीं था। हमें बस आधे घंटे से भी कम टाइम लगा, उतना टाइम नहीं लगा। आज शायद उतना लोग नहीं आए हैं, इसलिए हमें जल्दी हो गई। और इधर देखिए, इधर से भी मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट पे लिखिए, आप पहले कामाख्या आए हैं या नहीं, और नहीं आए तो आपको कैसी लगी, आप आना चाहते हैं कि नहीं, वो भी कमेंट पे लिखिए। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। ये हम नज़दीकी आ गए हैं, ये अब थोड़ा उधर कामाख्या से थोड़ा गुवाहाटी के तरफ ही आपको आना है। एक्चुअली गुवाहाटी पे ही है ये घाट के पास हम ले जा रहे हैं। ये है देखिए, ये लचित घाट है। यहाँ पे असम पे एक्चुअली मेरी ये थर्ड टाइम है, और जब भी मैं आती हूँ इस घाट के पास ज़रूर आती हूँ, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत पीसफुल जगह है। ये घाट की तरफ आके बैठ सकते हैं, उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और बाहर रास्ते के ऊपर हैंग आउट के भी बहुत सारी जगह है। तो यहाँ इवनिंग पे आप आएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा होगा। फिलहाल हम सुबह पे आए हैं, और ये देखिए असामीज लैंग्वेज से यहाँ कुछ लिखा हुआ है। हम पूरे असम में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या लिखा है। मेघालय पे भी हम कोशिश कर रहे थे हर चीज़ पढ़ने की। मेघालय पे हम चार लैंग्वेज सीखे, चार वर्ड सीखे एक्चुअली खासी लैंग्वेज का, और यहाँ भी सीखने की कोशिश कर रहे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।